अरेस्ट ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा विषय है, ऐसी डिस्कशन है जिसके बारे में सुनकर, जिसके बारे में बात करके, डिस्कस करके हर एक व्यक्ति टेंशन में आ जाता है। खास करके तब जब उसको ऐसा लगता है कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है या फिर किया जा रहा है या फिर उसका कोई ऐसा रिलेटिव फ्रेंड जो कि उसका बहुत ही करीबी होता है। पर क्या कभी पुलिस बिना वारंट के भी हम लोगों को छोटे मोटे अपराध में भी अरेस्ट कर सकती है या फिर हमारे सगे संबंधियों को अरेस्ट कर सकती है? तो उसके लिए जी हाँ, पुलिस कभी भी बिना किसी बात के, बिना वारंट के भी हम लोगों को अरेस्ट कर सकती है। कई बार तो ऐसा होता है कि किसी की बात के कारण हम लोग थाने पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहां पे भी पुलिस हमारे ऊपर ही किसी ना किसी तरह का चार्ज लगाकर हम लोगों को अरेस्ट कर सकती है। और उसके लिए भी ये जरूरी नहीं है कि पुलिस को वारंट की जरूरत पड़े, पर वो क्या सर्कमस्टांस हो सकता है, कैसी कंडीशन हो सकती है, कैसी सिचुएशन हो सकती है, वो हमारा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज की डिस्कशन, जिसमें हम जानेंगे कि बिना वारंट पुलिस हमें कब, कहां और कैसे अरेस्ट कर सकती है जिससे कि हम लोग बच सके। हेलो गाइस, दिस इज एनी एंड यू आर वॉचिंग स्टडी फॉर यू। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट, सो दैट जो भी मैं न्यू वीडियोज आपकी क्वेरीज के अकॉर्डिंग डालती हूँ या फिर आपकी अवेयरनेस के लिए डालती हूँ तो आपको टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जैसे कि हमारे लॉ में एक प्रोविजन है सेक्शन 42 अंडर सीआरपीसी कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है जब कभी पुलिस आपसे आपका नाम और पता पूछती है और आप नहीं बताते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी पुलिस के साथ कोई बातचीत हो रही है, किसी तरह से आप पुलिस के साथ आपकी बहस स्टार्ट हो गई, पुलिस आपसे पूछती है नाम और पता और आप नहीं बताते, तो उसमें भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। सेक्शन 42 जो है वो बेसिकली तो ये कहता है कि अगर पुलिस के सामने कोई भी ऐसा छोटा मोटा भी अपराध होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे आपसी लड़ाई या मारपीट की भी बात करूं, तो पुलिस उस कंडीशन में अगर आपसे कोई आपका पता या एड्रेस पूछती है और आप नहीं बताते तो पुलिस आपको बिना वारंट भी गिरफ्तार कर सकती है। या फिर अगर आपने किसी तरह के भी किसी रूल की उल्लंघना करी है तभी भी अगर पुलिस आपसे पूछती है कोई आपका नाम और पता और आप नहीं बताते तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। और हो सकता है आपने बता भी दिया पर पुलिस को लग रहा है कि आपने वो नाम और पता सही नहीं बताया, तभी भी बिना वारंट पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। और इसीलिए आपको ये ध्यान रहे कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है तो पुलिस के पास ये जरूरी नहीं है, चाहे वो छोटे मोटे अपराध की बात की जाए, कि उसके पास वारंट हो, पर अगर आपने अपना नाम और पता नहीं बताया तब आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, ये भी बात आपके ध्यान में रहे। पुलिस आपको तब तक अपने पास अरेस्ट में, डिटेंशन में, कस्टडी में रख सकती है जब तक आप अपना नाम और पता नहीं बताते, और जब आप बता सकते हो, जब आपने बता दिया तो पुलिस आपको बेल बॉन्ड आपसे साइन करवा के विद और विदाउट श्योरिटीज आपको छोड़ सकती है। पर तभी अगर आपकी अरेस्ट हो गई है, आपने 24 घंटे के अंदर अंदर भी अपना नाम और पता नहीं बताया, तो 24 घंटे के बाद पुलिस जो होती है वो मैजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना उसके लिए जरूरी हो जाता है। और अगर वहां पे जाकर आपने अपना नाम और पता बताया तभी भी आपको बेल बॉन्ड साइन विद और विदाउट श्योरिटीज करके भी अरेस्ट से रिलीज किया जा सकता है। इसलिए पुलिस के पास ये तो हो गया कि छोटे मोटे अपराध में बिना वारंट भी पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बिना छोटे मोटे अपराध में पुलिस विदाउट वारंट आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, बट ये एक तरह की एक्सेप्शन है जिसमें कि पुलिस को ये पावर दी गई है अपने उस सर्कमस्टांस पर नजर रखने के लिए जो कि उसके लिए केस को वेरीफाई करने के लिए जरूरी है। तो आपको ये ध्यान रहे कि अगर आपसे पुलिस किसी तरह की कोई जानकारी ले रही है तो आपका फर्ज बनता है उसको बताना, पर अगर पुलिस कुछ नाजायज करती है तो आपके पास भी कुछ ना कुछ वेपन्स दिए हुए हैं लॉ ने आपको अपनी सेफ्टी के लिए, बट अगर अभी आपको ये जानकारी नहीं थी तो आपको प्लीज इसका ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।